हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू राजमोत्रा आई एस माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज की एक्सप्लेन सीरीज में हम बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज इन इंडिया एंड ये स्पेसिफिकली हम टॉपिक इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं बिकॉज रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है सो so, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एंड इन दिस कॉन्टेक्स इन दिस कॉन्टेक्स ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हम बात करेंगे पोस्ट हारवेस्ट लॉसेज की भी इंडिया में एंड इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है दैट दे विल बी ए वन लैख करोड़ वन लैख करोड़ ऑफ फंड टू बी क्रिएटेड फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है ये आज हम समझेंगे अपने इस आ, इस वीडियो में एंड साथ साथ वी विल बी डिस्कसिंग दिस फंड एंड बेसिकली जो फंड का पर्पस है क्रिएट करने का दैट इज टू क्रिएट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड नर्चरिंग फार्म एसिड्स ठीक है is, and, uh, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये फार्म एसिड्स क्या है एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या है इनकी भी हम डिटेल में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन इंडिया सो इट इज एस्टिमेटेड इन इंडिया अबाउट नाइन सिक्स ट्वेंटी सिक्स बिलियन नाइन ट्वेंटी सिक्स बिलियन रुपीज जो है वो वी लॉस ऑन द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ठीक है तो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मतलब जब आप अपना एग्रीकल्चर की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं जो आपने यील्ड लगाई है अपने खेतों में जब उसकी फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद मार्केट तक आने तक या फाइनली रिटेल शॉप में आने तक या आपके घर तक पहुंचने तक जो फूड का या फिर क्रॉप्स का जो लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो है अराउंड 926 बिलियन रुपीज़ का ठीक है इन डॉलर इस पे से तो 14 बिलियन डॉलर के अराउंड ये लॉस है एंड यहाँ पे अगर हम इस पर इसमें भी फर्दर बात करें क्रॉप्स की तो सिर्फ जो क्रॉप लॉस है वही अराउंड 19 मिलियन uh, डॉलर्स का हो जाता है इन इंडिया पर्टिकुलरली ठीक है सो दिस इज ऑन द डेली बेसिस ये डेली बेसिस का लॉस है जो वच वट वी आर एंकरिंग ऑन दिस पार्ट एंड इसमें अगर हम फर्दर बात करें तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ भी है लेट्स सी दैट थिंग यहाँ पर क्या है कि जो एस्टिमेटेड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है इंडिया में यहाँ अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली अलग अलग कैटेगरीज की तो यहाँ पे फूड में फूड में जो हम प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोडक्शन में के बाद से जो लॉस हम बेयर कर कर रहे हैं दैट इज अराउंड सिक्स परसेंट टू फिफ्टीन पॉइंट एट एट परसेंट तक ही लॉस जाता है दिस दीज फिगर्स वेरीजिंग अकॉर्डिंग टू द वेरियस डेटास ठीक है एंड वेजिटेबल के कॉन्टेक्स में अगर हम बात करें तो हम बारह परसेंट तक चार परसेंट से लेकर बारह परसेंट तक का लॉस बियर करते हैं इन द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस रहता है इसमें इसी तरह से ऑयल सीड्स यू कैन सी अराउंड 10% परसेंट लॉस दिस इज अज लॉस इवन गिवन द लिमिटेड प्रोडक्शन इन इंडिया रिगार्डिंग द फूड ऑयल सीड जो हमें अदरवाइज इंपोर्ट भी करने पड़ जाते हैं पल्सिस इज आ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर इंडियंस फॉर प्रोटीन बट यहां पर भी हम अराउंड 8% परसेंट लॉस लूज

उट ऑफ्रेड से एक सौ दो नंबर आता है बॉटम ऑफ दंगर इंड हंगर इंड मेक लाइज की हाउ इंपॉर्टेंट इज इंडिया हाउ इंपॉर्टेंट दिस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फॉर इंडिया ये लॉसेज जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है इनको कैसे हमें मिनिमाइज uh, करना है सो so दैट हम इस तरह की सिचुएशन से बाहर आ सके एंड बेसिकली वी कैन अगर हम सप्लाई है तो वी विल बी एबल टू फीड द पीपल हु अदरवाइज कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग बिकॉज वेन यू हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सिसन यू कैन अकॉर्डिंगली एलोकेट यू कैन प्रोवाइड द रिसोर्सिस टू द अंडर प्रिवेलेज और और दोस्ट टू हु हु कैन नॉट कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग ठीक है दो दिस दिस इज इज इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स एंड इस इसके साथ साथ ही uh, ये जब तक हम अपना पूरा टॉपिक कवर अप करेंगे इट विल बी गिविंग यू द बेनिफिट कि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा रिगार्डिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज एज वी सीन की इंडिया में क्या सिचुएशन है एंड वाई वी नीड टू करेक्ट इट एंड अभी इसके अपार्ट पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेंज जो इंडिया में है अभी इसमें हमारे पास कहाँ पर क्या कंसर्न आ रहा है आ, वो हम इस ट्रैंगल से समझ लेंगे वी आर हैविंग थ्री पार्टीज हेयर जो यहाँ पर जहां, जो इस पूरे पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होती है एंड वेयर वी आर लैकिंग कि कहाँ पर ये इन एफिशेंसी वी आर वी आर हैविंग ठीक है तो अगर हम फार्मर के लेवल पर बात करें तो फार्मर के लेवल पर सबसे पहली जो है इम्प्रॉपर हार्वेस्टिंग मतलब जब जिस टाइम वो फसल काटी जा रही है वो प्रॉपर मॉडर्नाइज टूल नहीं है या फिर रूडिमेंट्री टूल यूज कर रहा है बिकॉज ऑफ विच द डे वेन दे हार्वेस्ट देयर क्रॉप उसी दिन ही काफी लॉस जो है Uh, उस खेत में उस खेत में ही हो जाता है कटाई के समय ठीक है ऐसे ही आउट ग्रेडिंग या ग्रेडिंग प्रॉपरली वहाँ पर नहीं की जा सकती नहीं की जाती है फार्मर्स के द्वारा तो ग्रेडिंग ना करने का एक लॉस ये है कि वेन ही विल बी सेलिंग दिस प्रोडक्ट टू द मिडल मैन इन द मार्केट सो वहाँ पर वो एज अ चंक इसको सेल आउट कर देगा अगर वो इसकी ग्रेडिंग कर ले तो सम ऑफ द गुड्स ही कैन सेल एट अ गुड प्राइस एंड अदर एट अ रीजनेबल प्राइस ठीक है तो ही विल बी एबल ऑन एन एवरेज

एंड वी विल बी ये कहाँ पर हमें इफेक्ट करता है तो दिस इज एट द फार्मर लेवल ऐसे ही यहाँ पर हम मार्केट लेवल पर अगर हम बात करें तो इम प्रॉपर मार्केट इंफॉर्मेशन है बिकॉज फार्मर डू नॉट हैव दिस प्रॉपर इंफॉर्मेशन कि कहां पे मार्केट में क्या उसे प्रॉपर रेट मिलेगा एंड सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट हैज ई ई इसी से लॉन्च किया गया था कि फार्मर एंड द बायर बोथ हैज दिस इंफॉर्मेशन कि अभी किस मार्केट में क्या रेट चल रहा है बट इट नॉट हैज बिन इंप्लीमेंटेड इन ऑल द मंडीज स्पेसिफिकली एपीएमसी सारे इसमें अभी कवर नहीं हुए दैट इज अ कंसर्न एंड अकॉर्डिंगली इसमें भी आपका एपीएमसी मार्केट की जैसे

यहां पर प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रही है दैट पुअर स्टोरेज कैपेसिटी एज गिवन ठीक है एंड पुअर डिस्ट्रीब्यूशन अब यहां पर क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली ना होने की वजह से यू आर नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट द थिंग टू द इंटीरियर डिमांड भी हो सकती है एंड यू हैव पीपल हु नीड दो वेजिटेबल फ्रूट एंड क्रॉप ठीक है सो दैट इज अ कंसर्न की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती है बिकॉज यू नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज चेंज इन दिस कॉन्टेक्स ठीक है एंड ऐसे ही प्रॉपर प्रोसेसिंग ना होना भी एक एक रीजन है, बिकॉज़ यू डू नॉट है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फूड प्रोसेसिंग दो गवर्नमेंट हैज लॉन्च वेरियस स्कीम्स फॉर एग्जाम्पल संपदा योजना जो है इसी कॉन्टेक्स में लॉन्च किया गया था कि इस तरह की कंसर्न को हम सॉल्व करवाएं बट एज ऑफ नाउ दीज प्रॉब्लम आर एग्जिस्टिंग ठीक हैवर्नमेंट इज पुटिंग इट्स एफर्ट बट दीज थिंग्स आर स्टिल पिक्चर ठीक है सो अब लेट्स सी कि अभी इंडिया में क्या सिस्टम है रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग और फूड मैनेजमेंट एंड हमें ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती है रिगार्डिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसिस प्रोड्यूसिस वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स वेजिटेबल्स फूड फ्रूट एंड अदर क्रॉप सो एज ए सेट की फर्स्ट ही गोज टू दिडल मैन एवर इज अवेलेबल इन हिज लोकल मार्केट सो वहां पर वो सब बेचता है फर्दर से थिंग टू दू दर्सन जो और बड़े एरिया में काम करा हो जो बड़ा एक और साहुकार हो यहाँ पर हमारा हो सकता है एपीएमसी uh, uh, भी हो सकती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज भी हो सकती है या फिर कोई और प्राइवेट uh, से, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली और मंडिया मंडी भी यहाँ पर हो सकती है एज गवर्नमेंट हैज अलाउड विदेंट रिफॉर्म ठीक है सो दिस इज द स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर दूसरा मॉडल हमारे पास क्या है दूसरा मॉडल वी हैव की जो फार्मर है द फार्मर इट्स हैज समेज कैपेसिटी जो अपने पास स्टोरेज उसमें रखता है कुछ फार्मर कुछ जो बड़े फार्मर्स है दे हैव दिस फैसिलिटी दैट दे केन स्टोर द थिंग विद एंड अकॉर्डिंगलीन फर्दर दे process the things and accordingly they also uh, sell it to the big uh, uh, big restaurant chains and big grocery shops they sell directly to them uh, and accordingly uh, this is delivered to the, uh, the final consumer at their doorstep okay? so this is one thing एंड इसके पार्ट यू हैव फर्दर मॉडल दैट इज मार्केट प्लेस मॉडल की यहाँ पर डायरेक्टली फार्मर जो है यहीं पर प्रोवाइड कर दे बट दैट इज दैट इज नॉट दैट मच सीन इन इंडिया सो दैट इज दीज आर दंसेंट जहां पर हमारे पास प्रॉब्लम आती है एंड दिस इज हाउ यू कैन सी कि कहाँ कहाँ पर हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज के चांसेस बिकॉज वेन दिस फार्मर इसी के लेवल पर एक लॉस तो यहीं पर हो गया बिकॉज इसने प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं किया है प्रॉपर हार्वेस्टिंग टूल्स यूज़ नहीं किए हैं जिसकी वजह से यहीं पर ही आपका काफ़ी ज़्यादा क्रॉप जो है वेस्ट हो जाता है इसके बाद फर्दर वो जब मिडल मैन के पास सामान गया है जब मिडल मैन टू मिडल मैन जब इस यूज़ प्रोसेस हो रही है तो इफ़ यू हैव फूड इफ़ यू हैव पेरिशेबल आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स एंड एंड फ्रूट्स तो वो इसी प्रोसेसिंग में काफ़ी खराब हो जाते हैं फाइनली जब मंडी तक प्रोसेसिंग के लिए पहुँचते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग हो पाती है तो वहाँ पर भी आपके काफी लॉसेस ऑलरेडी बियर हो चुके होते हैं बिकॉज यू हैव लॉस मच ऑफ द टाइम विच इज़ वेरी क्रोशियल फॉर द

कि हम उन में जो लॉसेस हैं जो 15 परसेंट दस परसेंट आठ परसेंट तक लॉसेस जो जा रहे हैं वी कैन मिनिमाइज देम ठीक है सो दैट इज वन थिंग एंड इसके बाद अब क्या है? इसमें फर्दर क्या है लेसी कि, कि किस लेवल पे हमें क्या क्या लॉस आ रहे हैं सो so, सबसे पहले अगर हम लोकल मार्केट्स की बात करें बिकॉज 80% ऑफ द मार्केट्स इन इंडिया Uh, जो है वो एट्टी फा एट्टी परसेंट ऑफ़ द मार्केट इन इंडिया जो है वो बेसिकली लोकल मार्केट से ही गवर्न uh, की जाती है वहीं से ही ये सारी बेसिकली फैसिलिटीज फर्दर प्रोवाइड की जाती हैं एंड यहाँ पर जो स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स हैं हमारे द मोस्ट ऑफ़ देम डायरेक्टली सेल टू द नियर बाय मार्केट तो एट्टी परसेंट जो आउटपुट है वो तो यहीं इन्हीं मंडीज़ में सेल कर दी जाती है और यहाँ पर मैं ए पी एम सीज की बात नहीं कर रहा हूँ ए पी एम सी हमारी यहाँ पर आती है ठीक है दीज आर द बिग मंडीज़ जो ओनली ट्वेंटी परसेंट ही इस पूरे प्रोसेसिंग के इस

एंड अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे क्या क्या कंसर्न आते हैं यहाँ पे ग्रेडिंग प्रॉपर ये लोग भी नहीं कर पा रहे बिकॉज ये बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं दे डो नॉट हैव लार्ज हब्स और uh, और द मा और द प्रोसेसिंग प्लांट जहां पर ये काम ये कर सकें स्टोरेज एंड पैकेजिंग इज अ कंसर्न एबसेंस ऑफ कॉम्पटेटिव प्राइस डिस्कवरी इज ऑल्सो कंसर्न एज अ यू की फार्मर इज रेडी टू सेल द एट द प्राइस विच इज अवेलेबल विद मतलब जिस पर्सन से वो सबसे पहले uh, अपना सिक्योर uh, कर पाएगा अपनी उपज को बेचने के लिए वो उसको सेल कर देता है बिकॉज ही इज इन द हरी टू सेल बिकॉज ही डो नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज तो वो फटाफट अपना सामान जो है बेच के निकल जाना चाहता है जो भी उसको ठीक ठाक रेट मिल जाए ठीक है तो उसी की वजह से यहाँ पे प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती तो देयर इज नॉट प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी इसकी वजह से जो आ, हमारे फार्मर्स हैं दे लॉस दे लूज बिग अमाउंट ऑफ मनी विच अदरवाइज दे कैन रिलाइज अगर वो प्रॉपरली इसे कुछ टाइम पे स्टोर करके या कुछ प्रॉपर प्राइस मिलने पर बेच पाए ठीक है एंड जब ये बाकी का जो ट्वेंटी जब ये मेन मंडीज में आ, से डील किया जाता है जो वहाँ पर बी बी सी की अराउंड uh, जो है फोर सिक्स फोर सिक्सटी के एरिया में दीज एपीएमसी पी मंडीज आर एस्टैब्लिश ऑन एन एवरेज ठीक है तो ये बेसिकली दिस दिस इज द एरिया विच दे आर केटरिंग टू ठीक है एंड एज एपीएमसी एक्ट सेज कि स्टेट्स में जो जो भी रीजन डिफाइन होगा जो भी एरिया डिफाइन होगा जिस एपीएमसी पी एम का उस फार्मर को वहीं पर ही लेके जाके बेचना दो तो गवर्नमेंट ने जो रिसेंट रिफॉर्म किए हैं एपीएमसी एक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वहां पर उन्होंने यही चीज़ किया है कि अब इस चीज से इस कंपल्शन से बाहर निकाल दिया गया दैट दे कैन सेल टू द पर्सन और द एंटाइटी दे लाइक उनको जरूरी नहीं है मंडी में जाना मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं ठीक है तो दैट इज अ वन थिंग बट लेट्स सी कि यहाँ पर अभी क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है ये रिस्ट्रिक्टिव ए लॉ जो है ये बेसिकली ट्रेडर्स uh, जो है दे आर एबल टू बिकॉज अब uh, अगर मंडी तक अनाज पहुंच भी गया एंड दे फॉर्म अ क्रेडल दे फॉर्म अ काइंड ऑफ दे फॉर्म अ काइंड ऑफ ग्रुपिंग की जिसकी वजह से दे डू नॉट लेट द प्राइस टू गो एनी हायर जिसकी वजह से uh, फार्मर जो है प्रॉपरली गेन नहीं कर पाता या प्रॉपरली उसे अपने प्रोड्यूस का वो कीमत नहीं मिल पाती जो अदरवाइज मिल सके बिकॉज इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि दे विल बी सेलिंग द थिंग एट अ पर्टिकुलर प्राइस उसके ऊपर वो सेल नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है दे हैव द हायर बार्गेनिंग पावर बिकॉज ऑफ विच फार्मर लूज एंड देर आर अदर ब्यूरोक्रेटिक हडल्स जो यहाँ पे रहते हैं बिकॉज यू नीड टू पे द ए पी एम सी फीस आपको पे करनी है एंड ऐसी और भी यहाँ पे सिचुएशन रहती है सो बिकॉज ऑफ दिज देर आर बिग लॉस इन द पोस्ट हारविस मैनेजमेंट ठीक है सो so, अभी यहाँ पे बेसिकली अगर हम फर्दर देखें सो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लिए हैं इन सारे जो हमने पीछे चेन दिखा कि हाउ दिस ऑल वर्क्स ठीक है तो इन अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन सम इनिशिएटिव अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे जो एग्जिस्टिंग मार्केट रिफॉर्म्स अभी गवर्नमेंट ने किए हैं उसमें एक सिंगल मार्केट विद इन द स्टेट क्रिएट करने की बात है दैट दे डू नॉट नीड टू गो टू अ पर्टिकुलर ए पी एम सी दे कैन सेल टू द नियर बाई एनी एपीएमसी नियर बाय और जहां पर भी उनको अच्छा प्राइस मिले ठीक है सो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक लिंकिंग की भी की जा रही है जैसे मैंने अभी आपको ई e नैम के बारे में बताया सो ई नैम इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो आपको uh, एक पोर्टल प्रोवाइड करता है कि आपको रेट्स डिस्कवरी करने में प्राइस डिस्कवरी करने में हेल्प हो जाती है कहाँ पे कितना ठीक प्राइस आपको मिल पा रहा है सो दैट इज वन थिंग ऐसे ही आपको वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी जो है वो प्रोवाइड करने रही गवर्नमेंट की पॉलिसी है एंड दिस इज वेयर गवर्नमेंट इज ट्राइंग ठीक है जो बेसिकली अभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया गया दैट इज़ टू टेक केटर दिस थिंग ठीक है इसी को केटर करने के लिए Uh, इस लेवल पर ही इन्वॉल्वमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट के इनिशियेटिव हैं ये इनिशिएटिव यहां पर ही हिट करेगा ठीक है तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो इसी एरिया को हिट करने के लिए बनाया गया है बिकॉज अदरवाइज यू हैव फॉर अदर थिंग्स यू हैव अदर अदर अवेलेबल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल स्पॉट स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट जो बेसिकली वेयर यू कैन हैव अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर और द और द ट्रेडर की Uh, आप अभी से एग्रीमेंट कर लीजिए कि आपको छः महीने के बाद इसकी इतनी सप्लाई चाहिए तो दे विल द पर्सन विल इंश्योर कि उसे सप्लाई आ जाए एंड अकॉर्डिंग दिस हेल्प द फार्मर एंड द ट्रेडर आल्सो एंड द बायर आल्सो कि उसको भी एक गिवन uh, टाइम पर दे विल हैव द श्योरिटी दैट दे विल बी गेटिंग द प्रोड्यूस ठीक है सो प्राइवेट सेक्टर में क्या इनिशिएटिव लिए गए प्राइवेट सेक्टर सेक्टर में पोस्ट uh, हार्वेस्ट इन्वॉलमेंट या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉज में रिफॉर्म किए हैं जिनके हमने हम लास्ट वीक के अपने वीडियो में बात कर चुका हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जहाँ पर हमने बात की थी वी डिस्कस की गवर्नमेंट हैज़ गिवन द लिवरेज कि ए में जाने की जरूरत नहीं है दे कैन डायरेक्टली हैव द कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर एंड अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट दे कैन गेट दे प्रोड्यूस डिलीवर्ड ठीक है सो यहाँ पे ऑलरेडी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं डायरेक्ट सेल्स का भी प्रोविजन अब रखा गया है कि बायर्स को डायरेक्टली सेल किया जा सके एपीएमसी के बाहर भी अब आ, जो है पर, गुड्स को बेचा जा जा सकता है, तो वी केव डिस्कस एंड अकॉर्डिंगलीफ एफ डी आई में भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन एफ के फॉर्म में भी इंडिया में बढ़ाई जा सके ठीक है तो दीज आर ऑल द वेरियस स्टेप्स में जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है ठीक है जहां जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंट कर रही है प्राइवेट सेक्टर को इंटरवेंट करवाना चाह रही है एंड जहां पर गवर्नमेंट का खुद का डायरेक्ट right इंटरवेंशन है एंड यहां पर अब बेसिकली हम इसी स्टेज की अब बात करें कि जहां पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है थ्रू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सो लेट्स डिस्कस द फाइनली लेट्स डिस्कस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की ये फ़ंड है क्या अब हमने पूरा बैकग्राउंड देख लिया अभी अंडरस्टैंड कि वो सर्विस लॉस कितना हो रहा है कहाँ पर हो रहा है और कैसे uh, ये पूरी वैल्यू चेन काम करती है वेयर वी आर लूजिंग ठीक है सो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए या फर, बूस्ट करने के लिए इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बनाया गया है एंड इस फंड में बेसिकली दिस इज अ दिस इज अ सेंट्रल सेंट्रल सेक्टर स्कीम ठीक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम का यू नो कि दिस इज बेसिकली होली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो दिस इज अ एडवांटेज है एंड यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे परपज़ क्या है एक फॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइड करने की कोशिश है टू फार्म एंड फार्म प्रोसेसिस प्रोसेसिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ uh, ठीक है तो यहाँ पर इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए जैसे हमने देखा कि पोस्ट सर्विस में आपकी पैकेजिंग ग्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज ये सारी चीज़ें कवर अप होती हैं तो ये स्कीम बेसिकली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है इसी फर्दर इसका एम क्या है इट प्रोवाइड्स मीडियम लॉन्ग मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी ठीक है तो ये डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है सो विच मीन्स की इफ एनी इंडिविजुअल एनी एंटाइटी और एनी फार्मर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो खुद से इनिशिएटिव लेना चाहे

अवेलेबिलिटी uh, रहे सो दैट दे कैन डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स ठीक है कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स बेसिकली द स्टोरेज कैपेसिटी एंड ऑल दैट ठीक है सो इसी में बेसिकली आपका स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज चेंज ये सब कुछ आएगा वेयर हाउसिंग में इसी में आएगा एंड स्लो जहां पे आप स्टोर करके रख सकते हैं काफी समय तक अनाज को द स्लो स्लोज फॉर दैट परपज एंड ऐसी ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग जो ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग है वो फैसिलिटीज भी क्रिएट की जा सके वो सारा कुछ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवर ऑफ द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है सो लेट्स सी फर्दर अब इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दिया जाएगा हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर और द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस इनको बेसिकली किस तरह से गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करेगी सो गवर्नमेंट हैज सेट कि हम एक लाख करोड़ वी विल बी प्रोवाइडिंग वन लाख करोड़ ऑफ फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग फैसिलिटीज थ्रू द बैंकिंग सिस्टम हम ये बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे टू द फार्मर्स एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कोई इंडिविजुअली भी आना चाहे तो आ सकता है और कोई एनटी भी आना चाहे तो आ सकती है सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अगर इसमें आना चाहे तो दे कैन ऑल्सो कम ठीक है तो हाउ दिस फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड दिस फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड थ्रू एग्री प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा इसके साथ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो बनी होती हैं उनके थ्रू भी ये सारी फंडिंग जो है प्रोवाइड की जाएगी सो गवर्नमेंट विल भी रीफाइनेंस प्रोवाइडिंग द रीफ़ाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ थ्रू दीज थ्रू दीज चैनल्स ठीक है तो इन चैनल्स के थ्रू गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द फंडिंग एंड यहाँ पर क्या है कि ये जो लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं दीज आर फॉर द फोर ईयर विंडो ठीक है ये चार साल के लिए डिसबर्स किए जाएंगे लोन्स एंड यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप दस हज़ार करोड़ से अब इस साल जो है बेसिकली गवर्नमेंट इज सही कि वी विल बी प्रोवाइडिंग टेन थाउजेंड करोड़ रुपीज इन दिस फंड एंड इसके बाद जो है हर साल हम तीस 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 हजार करोड़ जो है वो इसमें हम प्रोवाइड करते रहेंगे ठीक है तो दिस इज़ बेसिकली दिस विल अल्टीमेटली कम टू वन लैख करोड़ ठीक है सो अल्टीमेटली जो चार साल के विंडो में वन लैख करोड़ का जो पूरा बजट इसमें रखा गया है ठीक है दैट विल बी देयर ठीक है एंड गवर्नमेंट हैज़ गिवन मेरिटोरियम ऑल्सो बिकॉज गिवन द पेंडेमिक सिचुएशन जो अभी चल रही है इसकी वजह uh, से लॉकडाउन के आफ्टर इफेक्ट से वी आर अभी भी हम वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट ठीक है तो गवर्नमेंट हैज़ सीन दैट एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट हैज़ गिवन कि सिक्स मंथ टू टू इयर्स का मॉरिटो मॉरेटोरियम अभी दिया जाएगा मींस कि uh, छः महीने से लेके दो साल तक का विंडो होगा कि जब तक आपको अपने लोन की रीपेमेंट नहीं uh, करनी होगी शुरू नहीं करना होगा छः महीने से लेके दो साल के बाद आपको रीपेमेंट शुरू करनी पड़ेगी सो so दैट तब तक आप अपना बिजनेस जो है स्टेब्लिश कर सकें ठीक है सो दैट इज़ वन थिंग एंड ये सारा कुछ कौन करने वाला है एज ऑलवेज जब भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कभी भी कोई एक्टिविटी uh, होती है या फंडिंग की फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है सो गवर्नमेंट ऑलवेज़ इन्वॉल्व ना बिकॉज दिस इज़ अ स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस पर्पस ठीक है ये रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन सभी एंटाइटीज़ को एग्रीकल्चर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को एंड ऐसे ही आपके जो uh, जो ग्रुप सोसाइटीज़ बनी हुई कॉपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई उनको भी ठीक है सो अब ये बेसिकली काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ठीक है सो दिस होल स्कीम दिस होल फंड विल बी बाय द नबार्ड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ठीक है सो दिस इज वन थिंग इसमें हम फर्दर देख लेते हैं अभी इसमें और क्या चीज है इसमें बेसिकली अब जो इंटरेस्ट सबवेंशन दी जा रही है दिस इज बेसिकली इंटरेस्ट सन्वेंशन एक तो है कि आपको गवर्नमेंट इज फैसिलिटेटिंग दिज प्राइमरी एग्रीकल्चर फैसिलिटीज की वो इनको लोन लेंड कर सकें एंड उसके बाद जब वो लोन भी प्रोवाइड करेंगे तो उस लोन पर भी गवर्नमेंट इज गिविंग थ्री परसेंट का इंटरेस्ट सबमिशन मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसमें से तीन परसेंट इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट वो बेयर करेगी द लोन लोनी जो, जिसने ये लोन लिया है उसको ये थ्री परसेंट उसके इंटरेस्ट रेट से माइनस कर दिया जाएगा सो दिस विल बी बेड बाय द गवर्नमेंट एंड इसकी जो लिमिट रखी गई है वो टू करोड़ तक की रखी रखी गई है फॉर दिस इंटरेस्ट सबमिशन एंड इसमें बेसिकली क्या है जो पीरियड है दैट इज़ मैक्सिमम फॉर द सेवन ईयर जो इंटरेस्ट सबमिशन दिया जाएगा दैट इज़ फॉर द सेवन ईयर्स ठीक है एंड अब ये जो बेसिकली लोन दिया जा रहा है इसको सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक क्रेडिट गारंटीड कवरेज का भी प्रोविज़न इसमें रखा है कि जो क्रेडिट ये एंटिटीज प्रोवाइड करने वाले हैं जो लोन प्रोवाइड कर किया जाएगा इस फंड के अंदर उसको भी एक गारंटी एक कवरेज दी जाएगी सो दैट दे दीज एंटिटीज दीज़ ऑर्गेनाइजेशंस कैन लेंड टू द फार्मर और द फार्मर प्रोड्यूस वो इसमें उनको लैंड किया जा सके बिना किसी हिचक के वो इनको लोन दे दें उसके लिए जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज है वो उसको भी इन्वॉल्व किया गया कि वो इसकी क्रेडिट गारंटी uh, जो कवरेज है वो देगा ठीक है सो दिस इज दिस इज लोन ऑफ टू करोड़ रुपीज ठीक है एंड अकॉर्डिंगली जो जो हमारे एग्री फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको बेसिकली भी आ, अलग तरीके से जो उनकी ऑलरेडी अलग फैसिलिटीज उनको आ, इस फंड में कवरेज की मिली हुई हैं वो अकॉर्डिंगली उनको मिलती रहेंगी ठीक है जो उनको पैरली अलग स्कीम्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है ठीक है दो दैट विल बी प्रोवाइडेड ठीक है अब इसमें क्या है नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस स्कीम में लास्ट पोर्शन जो है दैट इज रिगार्डिंग द मैनेजमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगा वी नो बट द स्टेट की इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट की स्टेट की इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट ठीक है सो इसमें बेसिकली एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाएगा एज वी नो कि गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी हैज मेनी स्कीम्स गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी काफी स्कीम्स चल रहे हैं रिगार्डिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टिंग मैंने नाम लिया था संपदा योजना का ठीक है तो ऐसे कहीं और भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं uh, अब ड्यू टू दिस वेरियस इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट दे आर मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच आर ऑलरेडी इन प्रोसेस जो क्रिएट किए जा रहे हैं बट वहाँ पे कंसर्न क्या आता है दैट गवर्नमेंट डो नॉट हैवे प्रॉपर डेटा कि कहाँ पर क्या काम चल रहा है और कितने प्रोजेक्ट्स किस लेवल पर हैं एंड हमारे पास टोटल कितनी स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट हो चुकी है या ऑल दिस

अब इसमें हम बेसिकली देखो ये तो पार्ट हो गया स्कीम का जो स्कीम में चीज़ें बताई गई लेकिन अभी हमने ऑलरेडी भी गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम चलती हैं अगर एग्जामिनेशन में आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन आते हैं तो यू मस्ट नो कि यू नीड टू बिकॉज दे कैन आस्क यू टू क्रिटिकली एग्जामन तो ऐसी सिचुएशन में यू नीड टू से कि देर आर ऑलरेडी स्कीम्स रनिंग इन इंडिया फॉर दिस पर्पस एंड देन यू कैन गिव की हाउ दी स्कीम्स आर परफॉर्मिंग सो आई एम गिविंग यू सम ऑफ द स्कीम्स विच आर आर द मेन स्कीम्स इन दिस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सो यहाँ पे ऑलरेडी सबसे पहला जो का नाम है जो सबसे पहली गवर्मेंट लेवल पर इन्वॉलमेंट है दैट इज प्रॉवर्टी सेक्टर लैंडिंग जहाँ पर बैंक्स को दे दे हैव बीन आज एंड दे हैव बीन दे हैव बीन बाउंडेड कि उनको पोर्शन ऑफ जो शेयर जो पोर्शन ऑफ लोन्स हैं उनका उसका एक पोर्शन जो ऑफ शेयर जो है वो उनको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड काम के लिए उनको जो है प्रोवाइड करना है सो दिस इज़ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कि आप ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है कि आपको फूड uh, प्रोसेसिंग या फूड मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए भी लोन देने एंड दैट इज़ दैट कम्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ऑफ द बैंक सो अकॉर्डिंगली दिस इज द फर्स्ट थिंग जहां पर ये प्रोवाइड की जाती है जिस मोड जिस सिस्टम से इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना जिसका काफी बार अभी मैं जिक्र कर चुका हूँ ठीक वहां आ, uh, है, है वहां पर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वहां पर भी बेसिकली देर इज अ प्रोविजन की आपको 10 करोड़ तक का लोन मिल सकता है फॉर व्हाट पर्पज फॉर स्टैब्लिशिंग मेगा फूड पार्क जहां पे ग्रेडिंग हो सके जहां प्रोसेसिंग हो सके ठीक है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स क्रिएट करने के लिए फूड वेजिटेबल्स एंड अदर अदर एग्रो Processing industries को promote करने के लिए ठीक ठीक है है संपदा योजना प्रधानमंत्री uh, कृषि संपदा योजना के अंदर अब और देख लेते हैं गवर्नमेंट की एक और uh, जो नेशनल हाउसिंग uh, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो भी ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है इट इज प्रोवाइडिंग कैपिटल सब्सिडी जो अगर किसी को नया बिजनेस स्टैब्लिश करना है रिगार्डिंग वेजिटेबल एंड फूड की प्रोसेसिंग के लिए तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो भी वहाँ पर एक क्रेडिट सब्सिडी प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पस ठीक है टू क्रिएट द कोल्ड स्टोरेज एंड अकॉर्डिंगली फॉर द अदर थिंग एंड ऐसी जो सब्सिडी नॉर्थ ईस्टर्न को दी जाती है वो वहाँ पर फिफ्टी तक की सब्सिडी दे प्रोवाइड एंड थर्टी फाइव परसेंट फॉर द अदर्स डे सो दीज आर दलरेडी इस्टैब्लिश प्रोविजन विच गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग थ्रू वेरियस चैनल्स एंड इसी में नेशनल मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर जो है उसमें भी सेम लेवल की इन्वॉलमेंट गवर्नमेंट यहाँ पे रख रही है जहां पर दे आर प्रोवाइडिंग दे आर प्रोवाइडिंग बेसिकली ग्रांट्स फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट प्रोजेक्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट भी जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दे आर प्रोवाइडिंग फंडिंग्स ठीक है तो दीज आर द ऑलरेडी स्टैब्लिश एंड वर्किंग स्कीम्स फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट फॉर क्रिएटिंग पोस्ट हारवेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड यू कैन रिव्यू देर सिचुएशन के अभी किस लेवल पे कहाँ पर कितना इन्वॉल्व है बिकॉज अभी फॉर एग्जाम्पल जो संपदा योजना है इट हैजार्टेड गिविंग रिजल्ट सो दैट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली कैन चेकआउट ठीक है सो अभी इतनी सारी स्कीम्स ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे आज एंड यू हैव क्रिएटेड अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सो वाई स्टिल द एग्रीकल्चर और द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट

विद द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो इसके साथ हमें और क्या चाहिए बट वी कैन इंट्रोड्यूस फर्दर सो दैट इस सिचुएशन से वी कैन कम आउट ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आप जो है वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड करो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको बिकॉज दे अल्टीमेटली वो स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट करें उससे पहले उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनके पास वर्किंग कैपिटल हो फॉर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज ठीक है तो उनके पास अगर प्रॉपर एग्री प्रॉपर फंडिंग होगा देन ओनली दे विल बी एबल टू ब्रिंक देअर प्रोड्यूस टू द कोल्ड स्टोरेज चेंज और चेन और फर्दर ठीक है सो वो स्टोरेज कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर सकें उससे पहले उनको फंडिंग चाहिए होगी सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एंड दे कैन हैव लोन्स ऑन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी ठीक है सो अभी उनको कहाँ अभी उनको इस काम के लिए साहूकार के पास जाना पड़ता है या फिर मनी लॉन्डर्स के पास जाना पड़ता है uh, मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है जो कि लोकली अवेलेबल हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सो दे कैन चार्ज यू अराउंड 18 टू 22 परसेंट तक का भी इंटरेस्ट रेट दे कैन चार्ज सो अगर गवर्नमेंट ही ये काम कर प्रोवाइड कर दे तो दे गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड दिस एट द रेट ऑफ फोर परसेंट टू सेवन परसेंट सो दिस विल इंकरेज द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टू पुट देयर एफर्ट फर्दर कि वो इसमें और इन्वालमेंट अपनी रखे तो दिस इज वन थिंग एंड ऐसे ही अगर आपके यहाँ फ्यूचर मार्केट्स क्रिएटेड है फ्यूचर मार्केट मीन जहाँ पे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो

अगर उनको स्टोर करने का कुछ बेनिफिट हो रहा है अगर वहाँ पर आपको अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखने का कुछ बेनिफिट होता है वेन यू हैव दिस थिंग इन माइंड कि छः महीने के बाद अगर मैं इसे बेचता हूँ तो आई विल बी गेटिंग गुड प्राइजेस और इफ़ देयर इज फ्यूचर मार्केट जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सको ऑफ योर स्टॉक सो देन यू विल होल्ड योर स्टॉक एंड फॉर होल्डिंग योर स्टॉक यू नीड अब प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज और अब प्रॉपर स्टोरेज कैपेसिटी ठीक है सो वो आ, अगर आप ये फ्यूचर मार्केट्स को ऑलरेडी पुश करें इसमें पार्टिसिपेशन सो इट विल ऑटोमेटिकली गिव इंसेंटिव फॉर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है विच रिक्वायर्स विद दिस फंड ठीक है

थिंग्स uh, की हमें इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज द बेनिफिट अंडर दिस न्यू इनिशिएटिव ऑफ़ द गवर्नमेंट ठीक है सो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आपको इंडियन uh, एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आर्टिकल इसके रिगार्डिंग आया था एंड उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई गई हैं सो डू रीड दिस आर्टिकल जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट के रिगार्डिंग एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रिगार्डिंग uh, और भी एनालिसिस किया गया एंड इट इज हैज़ बीन डन बाय अ वेरी गुड एंड रिनोन्ड पर्सन सो दिस इज द रीजन आई वांट यू टू रीड दिस आर्टिकल अशोक गुलाटी जी का ये आर्टिकल है सो इंडियन एक्सप्रेस पे अवेलेबल है सो यू शुड रीड सो दैट यू कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जैसे हमने डिस्कस किया सो दीज पॉइंट्स आर अवेलेबल हियर आल्सो ठीक है सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन इंडिया जो हम वेयर कर रहे हैं एंड हाउ वाई वी आर बेयरिंग हमने वो भी पूरा चेन देख लिया वट इज द प्रोसेस इन इंडिया एंड हाउ दिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विल हेल्प सो एंड इसके साथ हमें और क्या करना चाहिए सो वी हैव सीन ऑल दिस थिंग एंड होप फुली दिस विल हेल्प यू इन योर आंसर आइटिंग एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई सेड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर पेशेंस